इधर झांसी के मौजा नया गांव में भू माफिया का कारनामा देखने को मिला है। सरकारी जमीन का बैनामा करके बड़ा गड़बड़ झाला किया। भू अभिलेख में दर्ज बंजर जमीन को भू माफियाओं ने बेच दिया। राज्यपाल के नाम दर्ज जमीन को बेचकर घोटाला किया गया है। झांसी सदर तहसील का यह मामला है। हालांकि प्रशासन ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला झांसी में शिवपुरी हाईवे के पास जमीन मौजा नया गांव की है, जहां दस्तावेजों में दर्ज बंजर जमीन को भू माफियाओं ने बेचकर प्रशासन को चूना लगा दिया और बैनामा करके मोटी रकम भी ले ली है। दरअसल भू अभिलेख में बंजर जमीन सरकारी होती है और राज्यपाल के नाम से होती है। अब इस मामले में प्रशासन जांच की बात कह रहा है। तो ये बड़ा गड़बड़ झाला देखने को मिला है। झांसी में सरकारी जमीन का बैनामा करके ये बड़ा गड़बड़ झाला किया गया है। भू अभिलेख में दर्ज बंजर जमीन को भू माफियाओं ने बेच दिया और बड़ी रकम में इसे बेच दिया गया है। राज्यपाल के नाम दर्ज ये जमीन थी, जिसे बेचकर ये बड़ा घोटाला किया गया है। हालांकि अब झांसी सदर तहसील का मामला है और प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर इटावा से। बच्चों के विवाद में दो गुटों के बीच में मारपीट हो गई है। दोनों पक्षों के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो गया है। मारपीट में 5 लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इटावा के थाना कोतवाली की यह घटना है। इटावा का मामला, बच्चों के विवाद में दो पक्षों में झड़प हो गई और अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। मारपीट में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन 5 लोगों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इटावा के थाना कोतवाली की यह घटना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।